हाय गाइस, वी आर हियर फॉर एन अनाउंसमेंट। आपको दिख ही रहा होगा बोर्ड पे, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्बैट। आज कॉम्बैट की बात करते हैं। कॉम्बैट आप सभी जानते हैं कि इट्स अ स्कॉलरशिप एग्जाम, ठीक है? तो कॉम्बैट के बारे में बात कर रहे हैं आज। कब होने वाला है, कैसा एग्जाम है, कैसे आप दे सकते हो, क्या मिलेगा स्कॉलरशिप में, कितने चीजें, कितना आपको एडवांटेज है, ये सारी चीजों के बारे में बड़ी बात करते हैं। बट काफी सारे बच्चे आप ऑलरेडी कॉम्बैट के बारे में जानते हो और अटेम्प्ट कर चुके हो, और मैं बोलूंगी अटेम्प्ट करते रहो, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। हम जानते हैं, आज इनको तो भी क्रैक करेंगे। देखो, ये 21 मार्च को जो कॉम्बैट हुआ था, ये उसके विनर्स है। तो दीज आर विनर्स ऑफ क्लास 11, क्लास 12 एंड 13, दैट इज ड्रॉपर। तो मतलब बच्चे ऐसे हैं जो अपनी पोटेंशियल से चल रहे हैं, जो मतलब यू नो प्रिपरेशन, और अभी तो बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि आप ऑलरेडी काफी बच्चे ऐसे हैं जो वेल प्रिपेयर्ड हैं, जो 2021 का एग्जाम देने जा रहे हैं, और ऊपर से 100% स्कॉलरशिप। फिर मैम, जब हम प्रिपेयर्ड ही हैं तो हम स्कॉलरशिप क्यों दें एग्जाम, है ना? देखो, एडवांटेज ये है कि आपको स्कॉलरशिप में 100% स्कॉलरशिप मिल रहा है ऑन अकेडमी, जिसका मतलब है आप 1 साल 2 साल 6 महीने जितने का कोर्स आपको लेना है लो, ठीक है? पहली चीज ये है कि आप अगर कोर्स ले रहे हो जो आप स्कॉलरशिप में जीते, ठीक है, मान लो 6 महीने का जीते, तो 6 महीने के अंदर तो आपका पूरा का पूरा 2021 का प्रिपरेशन डन, चाहे वो पेपर्स हो, चाहे वो ऑनलाइन एग्जाम हो, चाहे वो प्लस पे सिर्फ प्रैक्टिस सेशंस हो, टीचर्स के डाउट क्लियरिंग सेशंस हो, तो आपको एक जगह मिल जाएगी जहां आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, जहां अपने क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हो। तो दैट इज वन थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली चीज देखो, जब आप इसके बारे में बात करते हो, पहली बात कब है ये आपका एग्जाम, द नेक्स्ट डेट फॉर योर कॉम्बैट, ठीक है? तो नेक्स्ट मीट यूजी का जो आपका एग्जाम डेट होगा, इसके अंदर एग्जाम के अंदर हमारे पास आ जाएगा वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट, विच इज एवरी संडे। हाँ बिल्कुल, एवरी संडे, ठीक है? आप हर संडे ये एग्जाम दे सकते हो बेटा, दिस इज एवरी संडे। आपको बस करना क्या है, आपको कोड लगाना है, और कोड आपका होगा कोमल लाइव, KOMANLIVE लाइव, दिस इज योर कोड। आप इसको करोगे, ये चार्जेस के लिए नहीं है, कुछ ऑफ नहीं मिलेगा कोड लगाने से, ठीक है? कुछ ऑफ नहीं मिलेगा, लेकिन एनरोलमेंट के टाइम पे पता चलेगा कि हाँ चलो मेरी क्लास में बच्चा आता है, सुनता है मेरी बात, और देखो कि स्कॉलरशिप उस बच्चे को मिल रहा है जो मुझसे पढ़ा या किसी भी आपके पर्टिकुलर टीचर से पढ़ा, या जैसे भी आप चाहो उनके साथ ज्वाइन हो सकते हो, उन टीचर्स के लाइव क्लासेस प्लस के क्लासेस भी आपको मिल जाएंगे। तो स्कॉलरशिप का मेन जो टारगेट है, आपको स्कॉलरशिप से अच्छे बच्चों को, मतलब कोई अच्छा बच्चा ऐसा ना हो जो पढ़ाई में अच्छा हो और बाय चांस पैसे की वजह से क्वालिटी एजुकेशन या ऐप पे जो एजुकेशन है वो ना ले पा रहा हो। देखो, फ्री कॉन्टेंट सब है यूट्यूब पे, बट आप जानते हो यूट्यूब पे थोड़ा सा एक टू वे इंटरेक्शन कम हो जाता है, वो ऐप पर आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक द एग्जाम ऑन एन एंड्रॉइड फोन। iOS नहीं चलेगा भाई, एप्पल नहीं चलेगा, एंड्रॉइड चाहिए, ठीक है? तो एंड्रॉइड 60 मिनट्स का पेपर है, इसके अंदर फ्री रजिस्ट्रेशन है, तो किसी भी बच्चे को 1 रुपए भी नहीं देना है। और स्कॉलरशिप एग्जाम, आप ये सोच रहे हो स्कॉलरशिप एग्जाम वगैरह जो होते हैं उनकी कभी कभार तो फॉर्म्स के ही कुछ अमाउंट होता है, या कुछ अमाउंट नहीं है किसी का, तो आपको बहुत सारे स्कॉलरशिप जीतने के चांसेस हैं। एंड यहाँ पे ये है आपका कुछ प्लेटफॉर्म, क्या रहेगा कि 28 क्वेश्चन रहेंगे आपके पास, नियरली चारों सब्जेक्ट हमारे, क्योंकि ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपके पास नीट यूजी में आते हैं, तो इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आपके पास 28 मार्च का डेट है, मैं पीछे जो आपको डेट बता देती हूं, 28 मार्च एवरी संडे 11 AM, और 60 मिनट्स का ड्यूरेशन, सिर्फ 60 मिनट, 1 आवर संडे को आप इतना टाइम तो निकाल सकते हो बेटा, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। टॉप 10 स्टूडेंट्स को 100% स्कॉलरशिप मिलेगा, जो ड्यूरेशन आपको चाहिए, 1 साल 2 साल 6 महीने 3 महीने 1 महीना, जो ड्यूरेशन आपको चाहिए उसका 100% स्कॉलरशिप। टॉप 3, और बाकी मैम बाकी क्या करेंगे, सिर्फ तो टॉप 3 के लिए हो गया, बाकी बच्चों के लिए भी स्टार्टिंग फ्रॉम 70, 75, 50%, 25%, ऐसे बहुत सारे स्लैब्स हैं स्कॉलरशिप के, ठीक है? ऐसे काफी सारे स्लैब्स हैं स्कॉलरशिप के जो कि आपको मदद कर सकते हैं इस पूरे प्रोसेस में। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है ना? तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला सिचुएशन है। कोड आपको पता ही है क्या यूज करना है, मालिक यही करेंगे नीचे कोड है आपके लिए, फिर से भाई कोमल लाइव, ठीक है? क्लास में हम ऑलमोस्ट 12th पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, 12th हमने कर लिया,
11th हमने स्टार्ट कर दिया मंथ एंड बैच में, तो अगर आप 12th के बेसिस पे भी पेपर देना चाहते हो तो जाओ एक बार देख आओ, क्या पता बहुत अच्छा पेपर हो जाए यार। फिंगर्स क्रॉस, आई प्रे कि काफी बच्चों का पेपर अच्छा हो जाए, जितनी स्कॉलरशिप आप लोगों को मिल सके मिले। 28 क्वेश्चन है, 28 क्वेश्चंस जो हाई एंड क्वेश्चंस होंगे, 1 घंटे में 28 क्वेश्चन कर रहे हो, चारों सब्जेक्ट के, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो हम बॉटनी जूलॉजी में भी डिवाइड कर देते हैं, तीनों चारों सब्जेक्ट आपके पास प्रॉपरली प्रिपेयर्ड, ढंग से जाओ पेपर देके आओ। बट अच्छी बात यह है कि तीनों के लिए अलग होता है पेपर, 11th 12th एंड ड्रॉप स्टूडेंट्स। तो आप जाके स्कॉलरशिप अगर आपको मिलता है तो इट इज नॉट एन अनफेयर कॉम्पिटिशन, इट्स क्वाइट अ फेयर कॉम्पिटिशन, है ना। फिर उसके बाद रिलेटिव स्कोरिंग होती है कि आपका स्कोर बाकी बच्चों के हिसाब से कैसे आ रहा है, परसेंटाइल वाला सिचुएशन है। कॉम्बैट एवरी वीक वी आर गोइंग फॉर दिस, तो हर हफ्ते चांसेस है। इस वीक अच्छा प्रिपेयर नहीं है तो करो प्रिपरेशन, नेक्स्ट वीक देना पेपर, समझ में मेरी बात। तो कोशिश ये करो कि जितना ज्यादा इस चीज का फायदा उठा सको उठाओ। 3.5 करोड़ वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप आपको मिल रहा है, तो एज मच एज यू कैन डू वो चीज करके देखो, क्या पता यार बहुत अच्छा चीज हो जाए। क्या तुमको टेंशन क्या है इस बात का है। एनरोलमेंट इज एब्सोल्युटली फ्री, एनरोलमेंट के टाइम पे बस एक चीज करनी है, कोड लगा देना है कोमल लाइव, ये बस मुझे इतना बता देगा, ये कोड मेरे तक पहुंच जाता है और मुझे इतना मदद चल जाता है कि हाँ चलो बच्चों ने सुनी मेरी बात, ठीक है पढ़ लिया और पेपर दे दिया, बस इतना। तो आपने देखा अगर आप स्कूल में टीचर हो तो ना कि कौन मेरी बात कौन सुन रहा है, वो मेरी बात सुनने वाली बात है। बस यहाँ पे कोड पे कोई पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, चार्जेस नहीं है, कोई कोड से आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इट इज जस्ट अबाउट यूजिंग द कोड कि मैंने कुछ बोला और आपने सुन ली, तो गए आप और आपने एनरोल कर दिया, आपने अपने चार दोस्तों को और बता दिया कि देखिए मैं तो गया था, मेरा शायद नहीं हो पाया, तो एक बार ट्राई कर ले। हो सकता है ना आपका कोई बहुत अच्छा टैलेंटेड दोस्त हो जो नहीं जा रहा है स्कॉलर, क्या प्रॉब्लम है, पेपर होगा, क्वेश्चंस हम करेंगे सॉल्व, हम डाउट्स करेंगे सॉल्व, वी आर गोइंग फॉर अ प्रॉपर डिस्कशन ऑन 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 द ऐप, है ना, प्लस सेशंस में। तो वो चीज तो आपके लिए एडवांटेज ही बनेगी ना बेटा, कहीं नुकसान तो है नहीं। एक तो खुद सोच के देखो, कभी कभी क्या बच्चे ना इवर्जन में चले जाते हैं कि यार ये इतना क्यों बोल रहे हैं, हमको बार बार क्यों बोल रहे हैं इस बारे में। आप ये समझो कि क्या वो जो बार बार बोल रहे हैं वो मेरे एडवांटेज में कहीं थोड़ा सा भी है, मतलब नोबडी इज चार्जिंग एनीथिंग, प्लस सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, हाई एंड टीचर्स मिल रहे हैं, आप कैलकटा में बैठे हो, आपको कोटा के फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं, बेस्ट फैकल्टीज हैं, इतने बड़े बड़े बुक्स के ऑथर्स हैं जो ऐप पे पढ़ा रहे हैं, तो आपको अचानक से ना बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम मिल जाता है। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट गेटिंग अ लिटिल बिट ऑफ टेंशन या ये वो सावधान इंडिया वाला दिमाग में आ रहा है कि ये हमारे को इतना कुछ फ्री में क्यों दे रहे हैं, वो थोड़ा ना तुम छोड़ दो, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो और क्रैक कर दो इसको, मजा आ जाएगा। अगर अगली बार जो मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा उसका फोटो हो बोर्ड पे कि देखो मैम टॉप 3 में आए थे, 100% स्कॉलरशिप लेके अब आपकी प्लस क्लास अटेंड करेंगे। काफी बच्चे ऐसे हैं जो ज्वाइन कर गए जो जनवरी में थे, यूट्यूब पे थे या स्पेशल क्लासेस में आते थे, और बोले मैम आपके पास हम आ जाएंगे प्लस का, बस हो गया सब्सक्रिप्शन हमारा क्योंकि हमें स्कॉलरशिप मिल गया। तो ऐसी चीजों को पकड़ना सीखो, ऐसे अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना सीखो, एक नेगेटिव फिल्टर अपने आगे से हटाओ, एक चीज से हटाओ कि क्यों 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 है, अच्छा है कर दो, कुछ नहीं है यहाँ पे, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री, गो फॉर इट, एनरोल फॉर इट टुडे। सारे हाई एंड सॉल्यूशंस मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस पेपर जो भी पेपर होगा पूरा अच्छे से डिस्कस होगा, सब कुछ डिटेल में होगा। सो मेक श्योर दैट यू अप्लाई फॉर इट, जितनी जल्दी एनरोल कर सकते हो करो। 28 मार्च, हैप्पी होली वाला दिन है वैसे तो, लेकिन फिर भी क्या जा रहा है 1 घंटा निकालने में, ठीक है बहुत पैसा बचेगा भाई, बहुत पैसा बचेगा। तो मेक श्योर 28 को इन चीज आप कर दो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। सुबह 11 बजे पेपर है, जाके एनरोल करोगे उसी में आपको नीचे मिल जाएगा सिलेबस, ठीक है। बहुत बच्चों का ये डाउट रहता है कि मैम सिलेबस क्या है, सिलेबस कहाँ पता चलेगा, जब आप एनरोल करोगे बेटा तो डिटेल्स में जाना, व्यू डिटेल्स में आपको मिल जाएगा, डिटेल्स में आपको मिल जाएगा सिलेबस, ठीक है। और उसके लिए उसको पढ़ो, रिवाइज करो, एंड लेट्स क्रैक इट।